आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 2971 करोड़ रुपए की लागत से अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और संबंधित उपकरण की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। इस श्रेणी की मिसाइल को स्वदेशी रूप से बनाने की तकनीक अभी उपलब्ध नहीं थी। अस्त्र MKI BVR AAM को DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इससे विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जो टारगेट नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में इस मिसाइल को महारत हासिल है। BVR क्षमता के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अपने लड़ाकू विमानों को बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है। ये दुश्मन को कुछ पता चले उससे पहले ही उस पर धावा बोल देती है। ये मिसाइल तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी कई आयातित मिसाइल प्रणालियों से बेहतर है। DRDO ने इस मिसाइल का कई बार सफल परीक्षण कर लिया है। इसे हल्के लड़ाकू विमान समेत अन्य लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान में भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा। इस मिसाइल का वजन लगभग 154 किलोग्राम है और इसकी लंबाई लगभग 12.6 फीट। अस्त्र MKI मिसाइल की खासियत क्या है? इसमें 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड हथियार लगे हैं। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने वाली इस मिसाइल की मारक रेंज 110 किलोमीटर है। फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी ये काफी ऊपर जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की है। टारगेट की तरफ छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अस्त्र MKI मिसाइल के अलावा तीन और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, अस्त्र IR, अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3, जिनकी रेंज क्रमशः 80, 160 और 350 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइल हैं जिनसे दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।